ओके अच्छा क्वेश्चन है आकाश वाइल मूविंग डाउन स्ट्रीम हैट एट अ पॉइंट एक्स ही फर्दर ट्रेवल्डेंस डाउन स्ट्रीम टू पॉइंट वाई इन टू आवर्स ओके अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट स्ट्रीम्स का जब भी क्वेश्चन होगा तो दो चीजें वो पिक्चर में आती है एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेट से वो है ए किलोमीटर पर आवर मतलब अगर पानी रुका हुआ है तो बोट अपने आप में देखा जाए तो ए किलोमीटर पर आर जा सकती है मान लो एंड दूसरी पिक्चर में आती है स्पीड ऑफ रिवर या वाटर लेट से दैट इज बी किलोमीटर पर आर सो व्हेन द पर्सन विल बी गोइंग इन द डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मीनिंग अलॉन्ग द वॉटर वाटर के साथ में तो वॉटर विल हेल्प एंड इफेक्टिव स्पीड विल बिकम ए प्लस बी बट इफ द पर्सन इज ट्रेवलिंग अप स्ट्रीम दैट मीन ऊपर की दिशा में तो स्पीड विल ऑब्वियसली रिड्यूस एंड इट विल बिकम ए माइनस बी नोदय सिंह आकाश व्हाइल मूविंग डाउनस्ट्रीम ड्राफ्ट हिज हैट फॉर एट पॉइंट एक्स आकाश ये एक्स पॉइंट है मान लो यहाँ से वो नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मतलब उसका स्पीड रहा होगा ए प्लस बी ही ड्रॉपड दिस हिज हैट एट दिस पॉइंट एंड ही फर्दर ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम टू अ पॉइंट वाई लेट्स से वो यहां आ गया इन टू आवर्स अब देखा जाए तो 2 आवर्स में वो ए प्लस बी की स्पीड से गया है तो ये टोटल डिस्टेंस जो रहा होगा वो टू ए प्लस टू बी मतलब टू टाइम्स ऑफ ए प्लस बी रहा होगा अब वो वापस आना चाहता है वाई ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू कैच हिज हैट अगेन वो हैट को वापस लेने के लिए आना चाहता है अब आपको यह समझना पड़ेगा इन दीज टू आवर्स हैट जब यहां पानी में गिर गई थी तो वो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे रुकी नहीं होगी बिकॉज इवन दो इट हैज नॉट गॉट एनी इंजिन और स्पीड विथ इट बट उस वो वाटर की स्पीड के कारण आगे आई होगी तो टू आवर्स में हैट का स्पीड जो रहा होगा वो रिवर का स्पीड मतलब बी किलोमीटर पर आर रहा होगा तो टू आवर्स में हैड जो है वो बी की स्पीड से टू बी किलोमीटर आगे आई होगी समवेयर लेट से एट दिस पॉइंट सो वेन ही डिसाइडेड टू वेन आकाश when akash started return journey started return journey that time distance between distance between him and hat will not be this entire distance of 2a plus 2b but it will be 2a plus 2b minus this distance traveled by hat which is 2b so the distance between them will be only 2a the distance between hat and akash when akash decided to start the return journey is 2a kilometers तो पर आर आकाश ऊपर ट्रेवल कर रहा है ए माइनस बी की स्पीड से और हैट नीचे ट्रेवल कर रही है बी की स्पीड से तो उनके बीच का डिस्टेंस मान लो अगर ये वैल्यू आकाश का ऊपर जाने का स्पीड थर्टी होता और रिवर का नीचे आने का स्पीड पाँच होता तो आप क्या बोलते हर आर में यहां से आकाश ऊपर आ रहा है थर्टी और ये हैट नीचे आ रही है फाइव तो हर आर में उनके बीच का डिस्टेंस इधर से थर्टी और इधर से फाइव मतलब थर्टी फाइव से कम हो रहा है तो इसी तरह से आकाश का स्पीड ए माइनस बी और हैट का स्पीड बी मतलब उनके बीच का डिस्टेंस हर आर में इधर से ए माइनस बी और इधर से बी दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन देम एवरी आर इज रिड्यूसिंग बाय ए माइनस बी प्लस बी दैट मीन्स किलोमीटर पर आर रिलेटिव स्पीड कितना हो रहा है ए माइनस बी प्लस बी दीन्स एलोमीटर पर आवर तो अब उनके बीच का डिस्टेंस पर आर ए की स्पीड से कम हो रहा है एंड उनके बीच में distance का था विल टेक टू आर टू कैच दैट अगेन बिकॉज टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड इज रिलेटिव डिस्टेंस मल्टीपल डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एंड स्पीड इज रिलेटिव स्पीड रिलेटिव स्पीड शुड बी एडेड वेन दे आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो आंसर आएगा टू आर तो इन फैक्ट इस क्वेश्चन के जरिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा के लिए समझ सकते हैं वेन एवर ड्रॉप एनी ऑब्जेक्ट इन द डाउन स्ट्रीम डिरेक्शन वाइल गोइंग इन द डाउन स्ट्रीम डिरेक्शन देन वॉट एवर फॉर वॉट एवर टाइम यू विल गो अहेड यू विल नीड एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू कम बैक एंड कैच दैट थिंग अगेन जैसे कि इस क्वेश्चन में है ड्रॉप करके वो टू आवर्स आगे गया था तो वापस आ, जब निकला तो उसके बाद उसे टू आवर्स ही लगा to get the hat again.